हाँ तो बच्चों, हमने ब्लड स्टार्ट किया था और जो ब्लड का जो पहला पार्ट था उसमें हमने बेसिक देखा कि ब्लड क्या है। हमने वहां पे आपको बताया था कि ब्लड एक टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट मूव फ्रॉम प्लेस टू अदर प्लेस ऑफ द बॉडी। और फिर वहां हमने आपको ये बताया था कि जो ब्लड है वो ह्यूमन के आज जो बॉडी वेट है उसका 7% जो वेट होता है वो ब्लड क्या मतलब वो जो पार्ट है वो ब्लड का होता है। फिर हमने आपको बताया था कि ब्लड की जो शरीर है वो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो उसके बाद हम कंपोजिशन पे गए थे, तो हमने वहां बात किया था कि ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। फिर वहां हमने आपको बताया था जो लिक्विड पार्ट है उसे प्लाज्मा बोलते हैं और जो सॉलिड पार्ट है उसे ब्लड कॉर्पस बोलते हैं। अब देखिए, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है आज हम उसी की बात करेंगे कि प्लाज्मा फिर है क्या। पहले एक चीज ये जान लीजिए कि जो ब्लड का 55% पार्ट है, इतना परसेंट पार्ट, 55% जो पार्ट है वो ब्लड प्लाज्मा बनाता है। एक चीज वहां पे मिस्टेक हो गया था, ये हम इसको हम 45 हम बता दिए थे और जो आपका जो ब्लड कॉर्पसेल्स था उसको हम 55 कर दिए थे। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, जो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है मतलब जो लिक्विड पार्ट है वो 55% पार्ट बनाता है और जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का होता है। भाई पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ये क्यों येलो कलर का ही होता है। तो एक बात ये जान लीजिए कि लीवर के द्वारा बिली रूबिन नामक पिगमेंट का सिक्रेशन होता है। लीवर के द्वारा बिली रूबिन नामक पिगमेंट का सिक्रेशन, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया हो तो लीवर से बिलू बर्डिन दो टाइप के पिगमेंट हैं जो निकलते हैं, लेकिन उसमें से जो एक पिगमेंट है जो बिलू रूबिन है वो ब्लड में आता है और ब्लड के प्लाज्मा में होने के कारण जो ब्लड का जो कलर है वो येलो कलर का होता है। एक चीज और जान लीजिए, आपने जॉन्डिस के पेशेंट को देखा होगा भैया जिनको पीलिया हो जाता है, तो उस केस में यही होता है कि लीवर से बिलू रूबिन नामक जो पिगमेंट है अधिक सेक्रेट होने लगता है। जब बिलू रूबिन पिगमेंट लीवर से अधिक निकलने लगता है तो क्या होता है कि हम पीले दिखने लगते हैं, हमारे जो स्किन है वो पीला दिखना स्टार्ट हो जाता है, आईज जो है वो भी क्या बोलते हैं पीला दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बिलू रूबिन के कारण। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का ही क्यों होता है, तो सिंपल में बताइए कि लीवर से बिली बिली रूबिन नामक पिगमेंट सिक्रेट होता है जो ब्लड के प्लाज्मा में ही रहता है, इसीलिए प्लाज्मा का जो कलर है वो येलो कलर का होता है। अब अगर कंपोजिशन की बात करें कि ब्लड में जो प्लाज्मा है जो 55% जो पार्ट ये बना रहा है उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो अगर हम प्लाज्मा का हम कंपोजिशन देखें तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है उसमें तो वाटर होता है, तो मतलब जो 90% जो पार्ट है वो वाटर का होता है और 1% जो पार्ट है इसमें आपका ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं। भाई जो 1% जो पार्ट है उसमें आपका जो ग्लूकोज है और मिनरल्स होता है और जो 90% जो पार्ट है भाई वो वाटर का होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं कुछ जो कॉगुलेशन में हेल्प करते हैं ब्लड के कॉगुलेशन में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन ब्लड में होते हैं जो कॉगुलेशन में मतलब ब्लड का थक्का बनने में हेल्प करते हैं। इसमें से आपका है थ्रॉम्बिन जो पहला जो प्रोटीन है, प्रोथ्रॉम्बिन जो दूसरा जो प्रोटीन है, फाइब्रिन वो तीसरा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन जो चौथा प्रोटीन है, जो फाइब्रिनोजन है ये मेन प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग का
मेन पिगमेंट होता है। इसके बाद एक और पिगमेंट होता है ग्लोबुलिन। तो एक बात आपके दिमाग में ये फोटो बन रहा होगा कि भैया ये बताइए कि ब्लड के अंदर मतलब जब बॉडी के अंदर जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो नहीं जमता है, जबकि एंटीकॉगुलेंट जो प्रोटीन है वो उसमें है। कॉगुलेंट है ना, ये कॉगुलेट करने वाले जो प्रोटीन है, मतलब जो ब्लड को जमाने वाले जो प्रोटीन है वो ब्लड के प्लाज्मा में है। तो क्या होता है कि जब ब्लड अंदर सर्कुलेट होता है, जब ब्लड अंदर सर्कुलेट होता है तो उस ब्लड में लीवर द्वारा हिपेरिन का सिक्रेशन होता है। वो हिपेरिन आता है और हिपेरिन आने के बाद जो ये ब्लड को जमाने वाले जो प्रोटीन थे इनको इनएक्टिव कर देता है। इसीलिए जो ब्लड अंदर सर्कुलेट करता है वो नहीं जमता है, लेकिन जब कहीं पे कट जाता है या ब्लड बॉडी से बाहर आने लगता है तो जो आपका हिपेरिन है जो लीवर द्वारा सिक्रेट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। जब हिपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा और ये सब एक्टिव रहेंगे तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। इसीलिए जब ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो वो क्लॉट होता है और बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है तो क्लॉटिंग नहीं होता, क्योंकि हिपेरिन एक्टिव फॉर्म में होता है और जो कॉगुलेट होने वाले जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव होते हैं। हम ब्लड क्लॉटिंग पे अलग से वीडियो हम बनाएंगे। अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो ब्लड का जो प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट जो 55% पार्ट जो बना रहा है इसका फंक्शन क्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं कोगुलेट करने वाले जो ब्लड का थक्का बनाएंगे। तो भैया सिंपल सा एक फंक्शन तो याद ही रखिए कि यार ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ब्लड के थक्का बनने में हेल्प करता है और क्या करता है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो ग्लूकोज है आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बिलाई के द्वारा जो ग्लूकोज था वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में आता है और ब्लड से होता हुआ फिर सेल में जाता है और उसके बाद की तो कहानी आप जानते हैं कि फिर वो सेल में जाएगा, ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होगा और फिर एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, प्लाज्मा में ही जो ग्लूकोज है वो डिसॉल्व आता है और इसके बाद ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। एक चीज और जान लीजिए, ब्लड का जो पीएच हमने जब पहला जब क्लास लिया था तो वहां बताया था कि जो ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 होता है। ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 होता है, मतलब ये स्लाइटली एल्कलाइन है, लेकिन जो ब्लड का जो प्लाज्मा है वो इसके पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का। मतलब अगर ब्लड का पीएच इंक्रीज हो जाए, तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी भैया। और एक बार और जान लीजिए, एक डाटा और जान लीजिए, अगर ये ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो 7.4 होता है, लेकिन अगर ये ब्लड का पीएच 7.8 हो जाए तो आदमी की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। और अगर ये ब्लड का पीएच डिक्रीज हो जाए, अगर इंक्रीज हो जाए मतलब 7.8 हो जाए तो आदमी की डेथ हो जाएगी, और अगर ये डिक्रीज हो जाए मतलब 6.8 पे आ जाए तब भी आदमी की डेथ हो जाएगी। तो भैया जो आपका जो प्लाज्मा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर ये पीएच को रेगुलेट ना करे तो पीएच इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, तो ब्लड का पीएच नहीं इंक्रीज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ब्लड का पीएच 7.4 तक तो नॉर्मल है, अगर 7.8 हुआ तो भैया टिंग 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 चले गए तुम,
और अगर ये 6.8 हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, अभी काम तमाम है। तो भैया जो आपका जो प्लाज्मा है ये ब्लड को, ब्लड का जो पीएच है उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है। हमने आपको फंक्शन बताया कि भैया ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ग्लूकोज का, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, पीएच को कंट्रोल रेगुलेट करने का काम करता है।